आज एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें कि 498A के केस को क्वैश कर दिया गया। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे एक नई बात भी आएगी, इस जजमेंट की मदद से 498A का केस जो पारिवारिक जनों पर चलता है, यानी कि पति के घर वालों के ऊपर जो 498A की FIR होती है, उसे क्वैश आसानी से कैसे कराया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी कभी पत्नी 498A की FIR दर्ज कराती है, उसमें पति का नाम और ससुराली जनों का नाम, यानी कि सास, ससुर, ननंद वगैरह वगैरह का नाम जरूर लिखाया जाता है। लेकिन आज का जो यह जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ससुराली जनों का नाम लिखाया गया था, पति का नाम ही नहीं लिखाया गया। तो एक सवाल यहां उठता है, क्या ऐसा भी संभव है कि पति पत्नी का जीवन सही चल रहा, यानी पति से पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ ससुराली जनों से दिक्कत है, या सिर्फ ससुराली जन उसको मारते पीटते टॉर्चर कर रहे हैं, गाली फक्कड़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है? ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि भाई पति सब कुछ सही चल रहा है पति से, लेकिन पति के माता पिता बहन बहनोई वगैरह वगैरह हो सकता है कि उसे ताने बाने मार रहे हैं, लेकिन कोई 498A की FIR क्या सिर्फ ससुराली जनों के ऊपर लिखाया जाना उचित है, या उसका क्या हश्र हो सकता है? आज का यह जजमेंट आप देखें। सबसे पहले तो इस जजमेंट को आप जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ऑर्डर आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप अपने केस में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये केस है दर्शन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का हाल ही का ये जजमेंट है 18/7/2024, यानी कि लगभग 10 दिन पहले का ये जजमेंट है, ऑर्डर है 498A 323 504 506 406 धारा 34 IPC में FIR दर्ज कराई जाती है सिर्फ और सिर्फ ससुराली जनों के ऊपर, यानी कि पति को छोड़कर घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा ली जाती है। अब जब FIR दर्ज हो जाती है तो पति के घर वाले, यानी कि पति के जो माता पिता वगैरह वगैरह, हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट डिटेल से इस केस को समझता है, अंत में फैसला क्वैश करने के साथ साथ क्या टिप्पणियां की उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। देखिए, हाई कोर्ट ये बात समझ चुका था कि पति का विवाद, प्रॉपर्टी विवाद उसके घर वालों के साथ चल रहा था। अब जब पति का प्रॉपर्टी विवाद घर वालों से चल रहा था, जाहिर सी बात है पति की नहीं बनती थी परिवार के लोगों के साथ। जब नहीं बनती थी, इसका मतलब अपने पत्नी का सहारा लेते हुए अपने परिवार पर वो मुकदमा दर्ज कराया गया, उसके द्वारा ये मेंटेलिटी रही हो। कहने का मतलब ये कि पत्नी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया गया, 498A का केस कर दो, ये लोग उलझे रहेंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करें, हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन पे प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, तो ऐसी स्थिति में ये इस मानसिकता के साथ 498A की FIR पति ने अपनी पत्नी से स्वयं अपने पारिवारिक जनों के ऊपर, घर वालों के ऊपर लिखाया गया था, दर्ज कराया गया था, जो कि क्वैश होने योग्य थी और क्वैश हो भी गई। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।